उसने यूज्ड प्रोडक्ट भेज दिया है और ऊपर से डैमेज, तो यस मैंने रिक्वेस्ट रेज कर दिया, मैं इसे डेफिनेटली रिटर्न कर रही हूँ, मैं इसे नहीं रखना चाहूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? तो आज के इस वीडियो में आपको पता ही है टाइटल और थंबनेल से कि मैं क्या शेयर करने वाली हूँ। अपना नायका का हॉट पिंक सेल हॉल के जो प्रोडक्ट्स मैंने परचेज किए वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड आपको पता ही है रिसेंट अभी सेल चल रही थी एंड फाइनली मुझे प्रोडक्ट्स रिसीव हो चुके हैं। एंड हमेशा मुझे ना सेल खत्म होने के बाद ही मेरे प्रोडक्ट्स रिसीव होता है, पता नहीं क्यों, बट एनीवेज अब रिसीव तो हो चुके हैं तो सोचा शेयर ही कर दूं आप लोगों के साथ। एंड सारे मैंने अफोर्डेबल ही प्रोडक्ट्स लिए हैं। मैं कभी भी ना मिनिमम 500 के अंडर ही प्रोडक्ट्स लेती हूँ, ज्यादा एक्सपेंसिव मैं नहीं जाती हूँ प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि मुझे लगता है ना जो जरूरत है वही प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। लेकिन कभी कभी स्क्रॉल करते हुए ना जो नई जरूरत होती है वो भी कार्ट में ऐड हो जाते हैं। एनीवेज आपको आगे चल के ना मैं बताऊंगी कि मुझे कुछ फ्री गिफ्ट्स भी मिले हैं इसके साथ। एंड यस, कैसे मैं शॉपिंग करने पे ना अपने पैसे बचाती हूँ, अगर वो ट्रिक आपको जाननी है तो आप ये वीडियो को एंड तक डेफिनेटली देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं। ओके, तो सबसे पहले ओपन करूंगी ये सबसे बड़ा बॉक्स, देखते हैं कि इसमें से क्या प्रोडक्ट्स निकलते हैं। एंड यस, नायका से ना शॉपिंग मैंने किश्तों में की थी, लाइक कुछ प्रोडक्ट्स पहले ऑर्डर किए, कुछ मैंने बाद में किए। बीच में ना नायका में काफी अच्छा ऑफर चल रहा था कि जहाँ पे एक्स्ट्रा 10% ऑफ आपको मिल रहा था। एंड जो प्रोडक्ट मैंने परचेज किया ना वो सेम प्रोडक्ट उसमें कम प्राइस पे था, और वो मुझे इतना बुरा लगा वो देख के कि काश मैं इसे बाद में परचेज करती, बट एनीवेज अब तो मैंने कर लिया है। चलो देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। ओके, तो सबसे पहले है मेरे पास ये स्विस ब्यूटी की आई लैशेज, जो मैंने फर्स्ट टाइम आई लैशेज लिए हैं, बट मुझे ना इनकी क्वालिटी देखने में काफी अच्छी लग रही थी। एंड ये जो वॉन्ड है ना इसका काफी थिन वॉन्ड है, तो मैंने इसीलिए परचेज की थी, बट इसकी क्वालिटी ना मुझे ये थोड़ी प्लास्टिक सी लग रही है। एंड इसकी लैशेज काफी ज्यादा एक्स्ट्रा लॉन्ग है यार, बट डेफिनेटली ट्राई करूंगी किसी ना किसी लुक में कि मुझे काम आ जाए एंड अच्छी लगे। तो काफी अफोर्डेबल थी ये, आई थिंक 200 के प्राइस में मिल रही थी मुझे, एंड उससे भी कम प्राइस में थी आई गेस। तो प्राइसेस वगैरह डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दिए जाएंगे या फिर आपको स्क्रीन पे मेंशन हो जाएंगे, क्योंकि यू नो ऐसे मुझे याद रहते नहीं है। तो यस, फर्स्ट प्रोडक्ट है ये। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है ये क्यूट से मिनी स्पंजेस फ्रॉम पैक कॉस्मेटिक्स। वैसे ना मुझे बहुत जल्दी होती है तो मैंने ये सारे ओपन कर लिए थे पहले ही, तो मैंने इसे कट भी कर लिया था एंड ओपन करके आपको दिखाती हूँ। लाइक जैसे ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं ना जो बड़े वाले होते हैं, वो आप अपनी अंडर आइज के नीचे एरिया पे ना इजिली अप्लाई नहीं कर पाते, तो इसीलिए मुझे मिनी ब्लेंडर चाहिए थे। मैंने सोचा ले ही रहे हैं तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट के लिए, तो मैंने सोचा पैक के ट्राई करते हैं। तो ये मिनी का कॉम्बो मिल रहा था, टू बड़े क्यूट से आप देख सकते हो, बिल्कुल ड्रॉप शेप का, और इसका ये थोड़ा सा स्लांट है। तो ये दोनों ही क्यूट से मिनी मिनी स्पंजेस भी मैंने परचेज किए हैं। एंड ये जो मिनी स्पंजेस है ना ये थोड़े एक्सपेंसिव थे, लाइक 300 समथिंग के, बट एनीवेज एक बार आपको इन्वेस्ट करना होता है किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट में एंड देन वो काफी टाइम तक चलते हैं आपके, सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि इतना प्राइस जो है ना वर्थ भी होना चाहिए। इसको यूज करूंगी, आप देख लेना इंस्टा पे किसी ना किसी वीडियो में मैं इसको डेफिनेटली यूज करने वाली हूँ, तो आपको वहां से पता चल जाएगा इनकी क्वालिटी कैसी है। अगर आप चाहते हो इस पे मैं डिटेल में अगर वीडियो भी बनाऊं तो डेफिनेटली मुझे कॉमेंट करके बताना, बाकी अदरवाइज आप इंस्टा पे चेक कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट आइटम है इस बॉक्स में ये लॉरियल का ये सीरम। अरे मैंने ना इसके काफी ज्यादा अच्छे रिव्यूज देखे हैं, लाइक मेरी खुद की एक फ्रेंड भी यूज करती है तो उसने बताया ये काफी ज्यादा अच्छा है, तो उसके रिकमेंडेशन पर मैंने सोचा एक बार ट्राई करती हूँ। तो अभी सेल मैंने 224 का आई थिंक मुझे मिला था एंड जो बड़ा वाला साइज था ना वो 400 समथिंग का था, तो मैंने सोचा पहले ये छोटा वाला ट्राई करूँ। एंड ये पैकेजिंग काफी अच्छी है, ग्लास बॉटल है तो थोड़ा संभाल के रखना। एंड मैंने इसे एक बार यूज किया है जो मेरी फ्रेंड के पास था, डेफिनेटली वहां से मैंने एक बार ट्राई किया था, तभी मुझे लगा कि हाँ यार इसे एक बार ट्राई करना चाहिए। तो मैंने अभी ये छोटी बॉटल ली है इसकी फिलहाल, देखते हैं इसके रिजल्ट कैसे रहते हैं, उसके बाद ही फुल साइज प्रोडक्ट मैं परचेज करूंगी, ठीक है इसका। एंड नेक्स्ट है मेरे पास, ओ गॉड ये बहुत ज्यादा, मतलब पैकेजिंग इनकी काफी अच्छी होती है, नो डाउट। फाइनली मैंने परचेज किया है ये इतने सारे लिप लाइनर स्विस ब्यूटी के। तो वहां पे ना तीन का कॉम्बो मिल रहा था आई थिंक 100 समथिंग रुपीज में, तो ये मैंने दो कॉम्बोज परचेज किए जिसमें ये थोड़े ब्राउन्स में थे एंड थोड़े रेड्स का जो कॉम्बो था ना ये मैंने परचेज किया इस तरीके से। तो ये 6 लिप लाइनर्स मैंने परचेज किए, आई थिंक इसमें से ना एक सेम शेड मेरे पास था भी, कोको न्यूड, यस मेरे पास ये शेड ऑलरेडी था बट ये कॉम्बो में था तो अब मैं इसे चूज तो कर नहीं सकती थी, तो फिर मैंने सोचा चलो न्यूड्स में भी परचेज कर लेते हैं। तो ये 6 लिप कॉम्बोज मैंने परचेज किए, इससे पहले भी मैंने ऑलरेडी ने ट्राई किया हुआ है तो मेरे को काफी अच्छे लगे इसीलिए मैंने इनको ना परचेज किया। एंड नेक्स्ट है मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का लिप ग्लॉस।
प्लम्प अप वेट ग्लॉस है ये, तो मेरे को ये काफी अफोर्डेबल प्राइस पे आई थिंक 150 के अराउंड मुझे मिला था ये, तो यस फिर मैंने इसे परचेज किया क्योंकि लिप ग्लॉसेस का आपको पता है काफी ज्यादा ट्रेंड है। अगर आपको डेली बेसिस पे कुछ भी नहीं लगाना है ना तो नॉर्मल लिप लाइन करो, उसे थोड़ा सा शेड दो एंड लिप ग्लॉस अप्लाई कर लो, काफी अच्छा आपका एक लिप कॉम्बो बन जाता है, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो आप। एंड स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट परचेज करने पे मुझे ये लिपस्टिक जो है फ्री में मिली थी, सुपर मैट लिक्विड लिपस्टिक, ठीक है, तो ये फ्री गिफ्ट मिला, ये मैंने परचेज नहीं किया था, तो चलो फ्री गिफ्ट मिलने पे तो किसी को खुशी नहीं होती, मुझे तो बहुत खुशी होती है, आपको भी होती होगी डेफिनेटली, है ना, कमेंट करके बताना कितनी खुशी होती है आपको फ्री गिफ्ट मिलने पे। तो यस एक ये मुझे फ्री गिफ्ट मिला, तो ये जो बॉक्स है ये तो एम्प्टी हो गया एंड चलते हैं अपने अगले बॉक्स पे। तो चलो अब ओपन करते हैं कि इस बॉक्स में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे पहले जो है ना मेरे पास यहाँ पे ब्लू हेवन का लाइनर है, पेन लाइनर। मैंने ना वैसे लिक्विड लाइनर मेरे को अच्छे लगते हैं अप्लाई करने में, मैंने कभी पेन लाइनर इतना ट्राई नहीं किया, तो मैंने सोचा अगर अच्छे प्राइस पे मिल रहा है तो डेफिनेटली एक बार ट्राई करके देखते हैं, तो इसलिए मैंने ना ये आई लाइनर जो है ना वो इनका परचेज किया है। तो ये पेन लाइनर है, यस डेफिनेटली मैं इसको ट्राई करूंगी, बाकी मैंने एक बार ना इसका स्वॉच भी किया था, एक बार मैं आपको मैंने बताया ना कि मैंने पहले ही ओपन कर लिए ये प्रोडक्ट्स, तो मेरे को काफी अच्छा लगा। ओके लुक एट दिस, पिगमेंटेशन तो काफी अच्छा है, बाकी स्टे देखते हैं आगे वीडियो में थोड़ा ड्राई होने के बाद कैसा लगता है। और इसका ना ये पेन काफी अच्छे से दिया, लाइक आगे से बिल्कुल पतला सा है, तो जितना पतला विंग आपको चाहिए उस अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर सकते हो अपनी आईज पे। एंड नेक्स्ट मैंने परचेज किया है ये ब्लू हेवन का, लाइक मुझे ना इनका जो ये रेंज था ना जिसका पूरा पिंक शेड में था, पूरा क्या कहते हैं आउटर पैकेजिंग एंड ऑल प्रोडक्ट्स की, वो मुझे काफी टाइम से चाहिए थी, तो इसका ना मैंने सोचा क्या ट्राई करूँ, मैंने सोचा इसका लिप टिंट ट्राई करती हूँ, बट मेरे पास बहुत सारे लिप टिंट है तो मैंने फिर ट्राई नहीं किया वो। एंड मैंने लिया इसका स्कल्प एंड सेट ब्राउ जेल, तो इसकी पैकेजिंग देखो यार कितनी अच्छी है, पहले आपको ना ये ओपन करना है एंड देन उसके बाद ऐसे पूरी पैकेजिंग दे ही रखी है इसकी, एंड मुझे तो काफी अच्छी लगी इसकी पैकेजिंग। लुक एट दिस प्रोडक्ट, डब्बा देखो इतना बड़ा लगा है सिर्फ इतने से प्रोडक्ट के लिए, सी इतना सब प्रोडक्ट था और उसके लिए इतना ताम झाम ये करके लगाया हुआ था, सिंपल सी पैकेजिंग रखता है यार, बट एनीवेज ये ना मतलब इसका पैकेजिंग का कलर मुझे इतना पसंद था ना, जब मैंने ये रेंज देखी थी ना मुझे था कि डेफिनेटली मुझे इसमें से कुछ ट्राई करना ही करना है, तो यस आई बॉट दिस ब्राउ जेल। ओके फिलहाल तो मैंने मेकअप कर रखा हुआ है तो अभी मैं एक बार हाथ पे इसे अप्लाई करके देखती हूँ, लाइक अच्छा है, ज्यादा वो नहीं है पिगमेंटेशन नहीं है, क्योंकि आईब्रोज पे आपको इतना थिक पिगमेंटेशन ही चाहिए, लाइक पिगमेंटेशन है जितना नीडेड है, बाकी आईब्रोज पे आपको हमेशा लाइट ही रखना होता है कलर, आपको ज्यादा डार्क नहीं करना होता। तो या आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस प्रोडक्ट। अगला प्रोडक्ट है स्विस ब्यूटी का ये लैश ग्लू, तो ये भी काफी अच्छे प्राइस पे मुझे मिला था, आई थिंक 200 के प्राइस में, वहां पे ना दो थे व्हाइट एंड ब्लैक, तो ब्लैक तो मैंने कभी यूज नहीं करा लैश ग्लू, एंड ये मैंने परचेज किया जो ट्रांसपेरेंट थोड़ा व्हाइट शेड में था ना, तो डेफिनेटली मैंने ये वाला ट्राई किया। एंड इसके साथ भी मुझे मिला ब्लू हेवन का फ्री गिफ्ट ये लिप बाम, मैं ये ना पहले ट्राई कर चुकी हूँ ये लिप बाम ब्लू हेवन के, मेरे को काफी अच्छे लगे थे, बबल गम वाला फ्लेवर मैंने ट्राई किया था, तो ये मुझे अभी फ्री में मिला है, तो लेट्स सी मैं इसे यूज करूंगी या फिर इसे व्लॉग सेल करूंगी, आई डोंट नो अबाउट दिस। चलो एनीवेज इसके साथ ना इस बॉक्स में एक और प्रोडक्ट था जो मैंने परचेज किया था, वो था ये फेसेस कैनेडा का सेटिंग स्प्रे, मेरा खत्म होने वाला था तो मैंने सोचा ये काफी चल रहा था कि ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है, तो मैंने सोचा इसको ट्राई करते हैं, तो आप देखोगे इसकी पैकेजिंग कितनी घटिया है, लाइक इन्होंने भेजी हुई, ये प्रॉपरली बंद भी नहीं हो रहा था, ये इस तरीके से आया था लाइक ओपन होके, एंड आधा प्रोडक्ट लीक हो गया था इस कैप में, एंड अगर आप ध्यान से देखो एज यू कैन सी, एक सेकेंड में देखती हूँ, आप अगर इसको देखोगे आप देखिए यहाँ से इसकी पैकेजिंग कितनी खराब सी लग रही है, नया तो ये किसी एंगल से नहीं लग रहा कि ये न्यू पैकेजिंग इन्होंने भेजी हुई है, यहाँ से नाम भी पूरा मिटा हुआ है जैसे किसी ने यूज्ड प्रोडक्ट भेज दिया है, और ऊपर से डैमेज, तो यस मैंने रिक्वेस्ट रेज कर दिया, मैं इसे डेफिनेटली रिटर्न कर रही हूँ, मैं इसे नहीं रखना चाहूंगी, तो मैंने रिटर्न का रिक्वेस्ट रेज कर दिया है, तो आप देखो वहाँ पे क्या होता है एप्लीकेशन पे। बाकी तो मुझे बहुत मन था ये प्रोडक्ट यूज करने का क्योंकि मैंने इसके काफी रिव्यूज सुने थे, बट एनीवेज क्या ही कर सकते हैं आप। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, अभी लास्ट के ना ये दो ही बॉक्सेस मेरे पास रह गए हैं, ठीक है, तो इनमें कुछ ज्यादा नहीं है, सबसे पहले ये छोटू वाला ओपन करके दिखाती हूँ मैं, इसमें मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ऑर्डर करी हुई है, तो मैंने ना काफी ज्यादा देखा था कि लाइक हम मेकअप करते हैं और बार बार कौन यार ब्रशेस को धोए, बार बार उन्हें गीला करके ऐसे बॉडी वॉश सोप से धोए, क्योंकि उनके ना ब्रिसल्स भी खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं,
तो मैंने ना एक उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया ना कि इंस्टेंट आप अपने ब्रशेस को कैसे क्लीन कर सकते हो. लुक एट दिस, आई हैव फाउंड दिस ऑन नायका. मैंने अमेजोन पे भी देखा था लेकिन वो लाइक कोई ब्रांड का नहीं था, बट ये है ब्रॉन्सन प्रोफेशनल का. वहाँ पे ना स्विस ब्यूटी का भी था. बाद में जब मैंने ये ऑर्डर किया तो मुझे दिखा स्विस ब्यूटी का एंड वो इससे कम प्राइस में था. ये आई थिंक अराउंड 140 का पड़ा था एंड वो 130 समथिंग या 28 समथिंग का था. बट ये जब आप इसको ओपन करोगे ना तो देखो इस तरीके से आपको ये मिलेगा प्रोडक्ट यहाँ पे. ये जो है ना काफ़ी हार्श सर्फेस है एंड ये निकल भी जाएगा ईजिली. देखो तो आपको क्या करना होता है, अगर आपका ब्रश गंदा है ना, अगर आपके पास मान लो लिमिटेड ब्रशेज है, आपको वही सेम ब्रश यूज़ करना है अपने सेकंड आई शेडो के लिए, तो आप इसको इंस्टेंट यहाँ पे क्लीन करके अपने नेक्स्ट आई शेडो जो है वो पिक कर सकते हो. तो ये चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी. आप देखो क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे इसकी, काफ़ी यहाँ से ऐसे हार्श सा है. तो बस इससे ना आपके ब्रिसल्स भी ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे कि आपको बार बार उसे गीला नहीं करना पड़ेगा. लाइक एक बार में आप उसको वो कर सकते हो, इंस्टेंट क्लीन कर सकते हो, ठीक है. और आप जो ये चीज़ है ना इसको भी वॉश कर सकते हो ऐसे निकाल के, जैसे मैंने आपको बताया. तो यस, ये मेरे को एक काफ़ी अच्छा काम का प्रोडक्ट लगा. मेकअप आर्टिस्ट के पास तो ये डेफिनेटली होना ही चाहिए क्योंकि उनको इंस्टेंट ज़रूरत पड़ती है क्लीन करने की. सो यस, अब बचा है लास्ट बॉक्स, इसको ओपन करते हैं. चलिए देखते हैं कि इसमें मेरे पास क्या है. ओके, तो इंटरनेट पे ना जो भी वायरल होते हैं ना ये हैक्स वगैरह ये चल रहे थे आजकल लिपस्टिक्स के, तो मैंने ना उसमें से परचेज किया ये लिप पैलेट फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक्स. एक सेकेंड, अरे बाप रे, इसको ओपन करना काफ़ी मुश्किल है. मेरे पास ना यहाँ पे सीजर वगैरह भी नहीं है. पहले मैं इसको ओपन करके आती हूँ देन आपको दिखाती हूँ. तो फाइनली पैकेजिंग ओपन कर लिया है. तो इसमें इस तरीके के कुछ पैलेट है जिसमें आपको ये शेड्स मिल जाएंगे एंड अंदर से भी ना काफ़ी अच्छी इन्होंने पैकेजिंग करी हुई है. नो डाउट मार्स के मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं. बाकी यहाँ देखो प्रॉपर सील है ये प्रोडक्ट, तो पैकेजिंग तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इसकी. एंड इसे ओपन करना तो काफ़ी ईजी है यार, इसको तो आप जल्दी से ओपन कर सकते हो इस तरीके से. ओके, अनबॉक्सिंग भी कर रही हूँ मैं अभी इस वीडियो में, ठीक है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे OMG, आई लव दिस. आपको देखो एक साइड स्पैचुला मिल जाता है जिससे कि आप ये स्क्रेप कर सकते हो एंड एक साइड ब्रश मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे. एंड लुक एट द शेड्स. देखो हमारे पास ना डिफरेंट इतनी सारी लिपस्टिक्स लेने की ज़रूरत नहीं होती हमें. अगर ये सिर्फ आपको 200-300 का मिल जाएगा, इस तरीके से आप ये लिप पैलेट ले लो एंड इससे कोई भी शेड आप बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग. अगर आप चाहते हो ना कि जो वायरल लिपस्टिक वाले हैक्स वगैरह चल रहे हैं कि शेड्स बनाने वाले, अगर आप चाहते हो कि मैं वो ट्राई करूं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है. बाकी वैसे ट्राई तो मैं करने वाली हूँ, बट फिर भी आप कमेंट करके बता देना क्योंकि मुझे भी ना ये इंटरेस्टिंग लगता है बहुत ट्राई करके देखना चाहती हूँ कि कैसे शेड्स हम बना सकते हैं. बाकी ये बड़े काम की चीज़ें, आपको ज़्यादा लिपस्टिक्स पे 400-500 की खरीदनी नहीं पड़ेंगी. एक लिप पैलेट से ढेरों शेड्स आप बना सकते हो. तो डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस थिंग, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही प्रोडक्ट को एक ही तरह से यूज़ कर सकते हैं. अब इसको आप अपने आई लुक्स में भी यूज़ कर सकते हो, डेफिनेटली आप इसको अपने वाटर लाइन पे यूज़ कर सकते हो. कैसे यूज़ कर सकते हो मैं आपको कभी आगे वीडियोज़ में शॉर्ट्स में बताऊँगी, ठीक है. बाकी इस पैलेट से ना काफ़ी अच्छी, जैसे वो टॉफी होती थी ना कोकोनट वाली, उसकी फ्रेग्रेंस आ रही है, उसकी तरह थोड़ी खुशबू आ रही है. बट येस, आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस प्रोडक्ट, और वो हैक्स ट्राई करने के लिए तो मैं बिल्कुल एक्साइटेड हूँ. ओके, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक लास्ट ही है, येस लास्ट ही प्रोडक्ट है ये, और वो भी छोटे छोटे प्यारे से क्यूट से प्रोडक्ट्स हैं. ये दो प्रोडक्ट्स निकले हैं इसमें. एक है ये डिप एंड गो नेल पॉलिश रिमूवर, जिसमें आप अपने फिंगर को डिप करके इस तरीके से रिमूव कर सकते हो. वैसे तो ऑलरेडी मैंने रिमूव कर लिया है, मतलब इसको नहीं यूज़ किया, पहले से मैंने नेल पेंट अप्लाई नहीं किया हुआ था. एंड नेक्स्ट है इनसाइट का ये ब्लश ऑन. ये मेरे को पड़ा 75 rupees का, आई गेस. तो मतलब इनसाइट के प्रोडक्ट्स, अगर आपको आप बिगिनर हो, आपको ऐसे प्रोडक्ट्स लेने हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सको लेकिन अफोर्डेबल हो और अच्छे भी हो, तो इनसाइट का हाईलाइटर और इनसाइट का ब्लश आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. अमेजोन पे भी मैंने देखा था लेकिन अमेजोन पे ना ये ब्लश अवेलेबल नहीं था, तो नायका पे था अभी मैंने देखा. और जो मैंने लिया ये पीच काइंड ऑफ शेड, OMG इट लुक्स सो क्यूट. ये है शेड नंबर 01 सॉफ्ट सेलमन. ओके, देखो कितना प्रिटी सा शेड है यार, ये पीच सा एंड एकदम ऐसा मक्खन जैसा है इसका टेक्सचर. ओ गॉड वाव, तो लाइक उतना पिगमेंटेशन अभी आ नहीं रहा, आई डोंट नो
तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा आपको ये स्क्रेप करना पड़ेगा, स्क्रेप या फिर थोड़ा रब करना पड़ेगा, तब भी पिगमेंटेशन आएगा। वाह लुक एट दिस, कितना अच्छा शेड लग रहा है वो। अभी मैंने मेकअप ऑलरेडी किया हुआ है ना, इसलिए मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगी। तो यस डेफिनेटली मैं इसको यूज करने वाली हूँ। वैसे तो मैं ना इस तरीके के टेंट्स और जो ब्लशर्स होते हैं ना छोटे छोटे, ये डेली वेयर में अगर आप यूज करना चाहो, डेली मेकअप करते हो तो आप इस तरीके के यूज कर सकते हो। और आप इसको एज अ आई शेडो भी यूज कर सकते हो, एज अ लिपस्टिक यूज कर सकते हो, लिप टेंट, ब्लशर, डेफिनेटली अगर आपको जो भी सही लगता है उस तरीके से अपने अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। बाकी तो मेरे को ये बहुत ज्यादा पसंद है यार, एंड ये शेड मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे लिप एंड चीक टेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो उनमें ना मेरे पास इस तरीके का कोई शेड नहीं था, तो फिर मैंने सोचा यही ट्राई किया जाए। एंड लास्ट ये वाला जो है, आप देखो इस तरीके से इसके अंदर ना स्पंज होता है, ये देखो मैं इसे बंद कर रही हूँ क्योंकि ऐसे ना वो सारा रिमूवर उड़ जाए। तो इसके अंदर रिमूवर है, आपको जस्ट ना अपना फिंगर ऐसे डिप करना है। ओह मस्त, मजा आ रहा है। चलो नेल पेंट लगाऊंगी ना नेक्स्ट टाइम, फिर इसको यूज करूंगी। देन ओके सो दैट्स ऑल, ये थे सारे सारे बॉक्सेस मैंने ओपन कर दिए। यस सारे बॉक्सेस मैंने ओपन कर दिए हैं, एंड यही था मेरा नायका का हॉट पिंक सेल हॉल, जो मैंने चीजें परचेज की हैं। बस आपको दिखाया मैंने कि एक ही चीज थी जो लाइक 300 समथिंग की थी, बाकी तो ऑलमोस्ट कुछ तो लाइक 50 या फिर 60 से भी स्टार्ट होंगी। मैं आपको सारे प्राइसेस लिंक्स वगैरह दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो यस मैं आपको बताने वाली थी कि मैं कैसे पैसे बचाती हूँ। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही किसी ऐप का, लेकिन अगर आपको पैसे बचाने हैं ना जब भी आप शॉपिंग करते हो, तो आप ना यूज कर सकते हो ऐसे एप्लीकेशन जहां पे आपको कैशबैक मिलेगा। तो आप डेफिनेटली यूज करिएगा, कैश करो का एप्लीकेशन जो है वो मैं यूज करती हूँ, तो उसका लिंक आपको मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, जस्ट अपनी बात बता रही हूँ कि मैं चाहे अमेजोन से शॉपिंग करूँ या फिर नायका से करूँ या मिंत्रा से करूँ, कहीं से भी करूँ, तो पैसे बचाने का शौक तो मुझे बहुत है, उड़ाने का भी और बचाने का भी है। तो इसी तरीके से ना लाइक कुछ अमाउंट में बचा लेती हूँ, काफी सारा अच्छे कैश बैक्स आपको मिल जाते हैं अमेजोन पे भी और नायका पे भी। तो 7% का कुछ कैश बैक मुझे मिला था, मैंने अलग अलग शॉपिंग करी थी उससे मुझे अलग अलग कैश बैक मिला। तो बस वो आप इस तरीके से आप उसे यूज करो और आप अपने पैसे बचा सकते हो जब भी आप शॉपिंग करो, चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, तो वहां से आप जो है ना शॉपिंग कर सकते हो। इवन मैंने अभी कुछ टाइम पहले ना H&M से शॉपिंग की थी, वहां पे भी मैंने वही एप्लीकेशन से यूज करा एंड मुझे कैश बैक मिला H&M से शॉपिंग करने पे। तो यस है ना इंटरेस्टिंग बात, आप भी डेफिनेटली ट्राई करके देखना। आप भी अगर मेरी तरह ऐसे शॉपिंग के एडिक्ट हो ना, तो थोड़ा पैसे बचाने का भी सोचो, इस तरीके के एप्लीकेशन को यूज करो और अपने पैसे बचाओ अपनी हर एक शॉपिंग पे। तो यस आई होप कि ये जो वीडियो था ना वो आपको अच्छा लगा होगा, एंड आप भी नायका से ना प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। हमेशा जब भी आप प्रोडक्ट परचेज करो ना, मैं ऐसे ही करती हूँ, लोएस्ट से स्टार्ट करती हूँ। जो लोएस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना उनमें अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट और काम करना हो, तो डेफिनेटली वैसे ही मैं परचेज करती हूँ। ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में कभी नायका की मतलब सेल से इतना परचेज करती नहीं। आपने देखा होगा अगर मेरे पिछले हॉल भी, तो उसमें भी मैंने ये सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स ही परचेज किए थे, कुछ ज्यादा महंगा मैं नहीं लेती हूँ। तो यस डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल पे। सो या बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।